अब आपको समझ तो आ गया होगा आपकी सेल्स किस तरह से बूम हो सकती है। 1 महीने में हो जाएगी बूम, अब तो आप मान गए हो अगर सेल्स करते हो। ठीक है, तो उन लोगों के लिए काफी बेहतरीन और काफी अच्छी वीडियो है। आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपकी जो सेल्स है ना हर महीने बढ़ती जाएगी। ठीक है, हर महीने बढ़ेगी। हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग फ्रेंड। आज की वीडियो है लोन ऑफिसर्स एंड सेल्स ऑफिसर्स के लिए। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, अगर आप सेल्स फील्ड में हो, चाहे आप घर बेचते हो, लोन बेचते हो, व्हीकल बेचते हो, कुछ भी आप अगर सेल्स करते हो, ठीक है, तो उन लोगों के लिए काफी बेहतरीन और काफी अच्छी वीडियो है। आप इस वीडियो को अपने सेल्स से अगर रिलेट कर सकते हो, जिस भी प्रोडक्ट के सेल्स में हो, तो आप अपने हिसाब से रिलेट कर लें। मैं आज जिसके बारे में बताऊंगा, मैं होम लोन कैसे सेल करें और आप अपनी सेल्स किस तरह से बूम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, आज उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपकी जो सेल्स है ना हर महीने बढ़ती जाएगी। ठीक है, हर महीने बढ़ेगी अगर जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप ये ट्रिक काम में लेते हो तो यकीन करो वाकई में ऐसा होगा। मैं ऐसे ही आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपकी सेल्स वाकई में बढ़ेगी, और ये ट्रिक मेरे को जानने वाले हैं, उन्होंने आजमाई थी तो वहां से मुझे समझ आया था, और उन्होंने बताया भी था कि उनको काफी बेनिफिट भी मिला था इस ट्रिक का, जब वो किसी टाइम लोन ऑफिसर सेल्स ऑफिसर थे उस टाइम की ये बात है। तो क्या है वो ट्रिक और कैसे आप अपनी सेल्स बढ़ा सकते हो, तो देखो मैं आप समझाता हूँ आपको करना क्या है। कि देखो, आपको सबसे पहले काम करना है, आपके कुछ ब्रोशर लेने हैं। ठीक है, कुछ ब्रोशर हो गए, आप जैसे होम लोन में हो तो आपको होम लोन के ब्रोशर्स ले लेने हैं, पैम्पलेट। ठीक है, ये ले लेने हैं पहली चीज। तो ज्यादा पैम्पलेट नहीं चाहिए अपने को, आप सिर्फ 100 पैम्पलेट ले लीजिए। ठीक है, अभी आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने, बोलोगे कि यार ये तो न्यूज़पेपर में डाल दो, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने आपको, आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको उन लोगों से कॉन्टेक्ट करना है, या तो वो हो सकते हैं आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। अब बोलोगे कि यार एग्जिस्टिंग कस्टमर को दो बांटो, रुको देखो मजा आएगा। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स भी हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं आपके कोई नेबर में कोई शॉप हो सकती है, या कोई जानकार की रिलेटिव की शॉप हो सकती है। ठीक है, वहां आपको ये पैम्पलेट देने हैं, लेकिन पैम्पलेट के साथ जो है आपको कुछ फॉर्म भी देना है उसको। ठीक है, अब क्या करना है, क्या है सीन, आपको एक फॉर्म प्रिंट कर लेना है जिसमें आपको ज्यादा कुछ डिटेल फिल नहीं करनी। उसमें आपका पहला तो आ जाएगा नेम, सेकंड नंबर, थर्ड आ जाएगा लोन क्यों चाहिए, फोर्थ आ जाएगा लोन अमाउंट। बस इतनी सी डिटेल चाहिए आपको और कुछ नहीं चाहिए। इस तरह से आप एक फॉर्म के अंदर कम से कम 10 एंट्रीज बना लें, एक एक होगी नेम नंबर, ऐसे मतलब 10 10 कॉपी पेस्ट कर लें इस तरह से। ठीक है, और उसका एक प्रिंट आउट निकाल लें। अब आपको करना क्या है कि आपका जो भी अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर है या फिर नियर बाय दुकान वाला है उसके पास जाना है, आपको एक तो वो फॉर्म देना है जहां पे 10 एंट्री रहेंगी। ठीक है, और इसके साथ प्लस में उसको 10 ही आपके पैम्पलेट देने हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक फॉर्म और 10 पैम्पलेट देने हैं। और उसको क्या कहना है, और हो सकता है कोई नियर बाय शॉप वाला भी हो, उसको भी आपको सेम चीज करनी है। ठीक है, अब क्या करना है, उसको बोलना है कि देखो सर, ऐसा है कि हमारी कंपनी की तरफ से एक ऑफर आया हुआ है जिसमें हमारी कंपनी ने कहा है अगर आप लोग हमें ऐसे 10 लोगों के नाम और नंबर देते हो जिनको होम लोन की रिक्वायरमेंट है घर बनाने के लिए, या फिर हो सकता है उनको मॉर्गेज लोन चाहिए हो, उनको सारी डिटेल समझानी पड़ेगी इन लोगों को, तो आप उन 10 नीडी पर्सन के नाम दो हमें विद नंबर, और जो जो डिटेल आप 4 डिटेल जो मैंने मांगी बताइए आपको, या इसके अलावा आपको कोई और डिटेल लगती है वो भी इस फॉर्म में एड ऑन कर सकते हो, ये डिटेल तो मुझे 10 लोगों की फिल करके देनी है। तो उससे क्या है कि आप अगर हमें ये फॉर्म फिल करके देते हो तो हम आपको एक चांदी का सिक्का गिफ्ट करेंगे। ठीक है, या फिर आप और भी कोई गिफ्ट रख सकते हो। अब जो ये जो देगा ना आपको, ये वाकई में, और इसको ये भी बोलना है, टर्म्स एंड कंडीशन ये रखनी है कि वो पर्सन नीडी हो, उसको लोन चाहिए हो, ऐसे नहीं किसी का भी नाम उठा के दे दे, कि अगर आपके 10 की 10 वैलिड आप नाम देते हो जिन्हें वाकई में लोन चाहिए था, किसी वजह से नहीं दे पाए,
या नहीं भी है तो आपका ये तो पक्का है, अगर आपने डिटेल अच्छा सही दी है, करेक्ट डिटेल दी है, तो दस दस जो पर्सन की डिटेल लेनी है उससे, 10% की, वो दुकान वाला भी हो सकता है, कोई आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर भी हो सकता है, जहां भी आपकी बनती है उनको आप ये काम दे सकते हो, ठीक है। अब देखो बात ऐसी है कि अगर उसने 10 नाम दिए हैं और 10 नाम एक्चुअल में उसी के ही हैं जहां नीडी है, तो ये बात तो श्योरिटी है कि हो सकता है 0 कन्वर्ट हो, ठीक है, मान लिया। लेकिन उसको दूसरी बार फॉर्म दोगे फिर वो अगर 10 नाम दे रहा है, तो मेरे हिसाब से तो वैसे इसी जगह 10 में से 1 कन्वर्ट हो जाएगा, अगर उनमें से 10 की 10 वो नीडी लोग थे जिनको लोन चाहिए था मकान के लिए, किसी भी और पर्पस के लिए, एक तो कन्वर्ट होगा, तो आपके चांदी के सिक्के के 500 या 1000 रुपए जो लगे हैं वो तो यहीं वसूल हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें मैंने एक चीज और कही है, उसको पहले बोल देना भाई 10 की 10 सही नाम होने चाहिए वैलिड, कहीं फर्जी नाम दे दे, फर्जी नाम है तो तेरा चांदी का सिक्का गिफ्ट नहीं मिलेगा तेरे को, ठीक है। और उसके अलावा उसे ये भी कह सकते हो कि आप जैसे तूने 10 नाम दिए ना, इस 10 में से अगर 2 लोग लोन देते हैं ना, तो ये तो चांदी का सिक्का मैं तेरे को 2 ही दे ही रहा हूँ, इसके अलावा 2 चांदी के सिक्के और दूंगा, ठीक है। इस तरह से आप कोई गिफ्ट आइटम रख सकते हो, और जो है इस ट्रिक से आपकी सेल्स, बाकी में वादा करता हूँ कि इंक्रीज होगी। तो करना क्या है आपको, इस तरह से 10 फॉर्म निकालना, 100 पंपलेट निकालना, 10 जगह डिस्ट्रीब्यूट करना, 10 में से आपके पास 100 लीड आ जाएगी, 100 लीड में से आप ट्राई करोगे ना, ज्यादा नहीं ना, 5 लीड भी कन्वर्ट हो गई, तो 5 लीड का अगर 10-10 लाख का भी अगर धंधा आता है, तो 50 लाख का धंधा तो यही आ गया आपका, ठीक है, आई बात समझ में। और 100 की 100 अगर नीडी लोग थे जिनको लॉन्च चाहिए था, तो 100 में से 5 का रिजल्ट नहीं आएगा। मैं तो बोलता हूँ सेल्स वाले हो, धीरे धीरे करोगे तो 50 भी कन्वर्ट कर लो, 20 भी कन्वर्ट कर लो, और ये चीज जैसे जैसे धीरे धीरे चलेगी, आपको वाकई में आपकी लीड भी जनरेट होगी और आपका मार्केट में नाम भी बढ़ेगा और आपको फाइल्स भी मिलने लगेगी। तो था ना मस्त ट्रिक, और अगर आप इस ट्रिक को यूज करते हो तो वाकई में आपकी सेल्स बूम हो जाएगी, और मेरे कहने से एक बार इसको ट्राई करके जरूर देखें, ठीक है। मैं सेल्स के लिए भी वीडियोस लाता रहूंगा, क्योंकि किसी टाइम मैंने भी सेल्स में काम किया हुआ है, तो मुझे उसकी भी नॉलेज है, और बाकी मेरे जो जानने वाले हैं उनसे भी मैं बातचीत करता रहता हूँ कि आप किस तरह से क्या करते हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी बहुत बेहतरीन से बेहतरीन स्कीम और ट्रिक्स लाता रहूंगा मैं आपके लिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को शेयर भी कर दे आपके साथियों के लिए, जिनके लिए ये वीडियो हो सकता है हेल्पफुल हो या फिर वो फ्रेशर हो, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक और शेयर करें, थैंक यू।